नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने सदर कोतवाली के महाराजगंज में नई पुलिस चौकी की स्थापना की है। विधायक संगीता बलवंत ने मंगलवार की शाम फीता काटकर इसका उद्घाटन किया, इसके बाद पौधरोपण भी किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि यहां पर चौकी के खुल जाने से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। इस मौके पर चौकी प्रभारी राजेश कुमार मिश्रा, पुलिस कर्मियों के साथ विधायक के प्रतिनिधि डॉक्टर अवधेश, श्यामलाल, चंदन, रंजीत, अरविंद, विकास समेत अन्य लोग मौजूद रहे। महाराजगंज में चौकी खुलने के बाद अब सदर कोतवाली क्षेत्र में कुल 10 पुलिस चौकी हो गई है। उप डाकघर के कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। उप डाकपाल रामानंद सिंह यादव ने कहा कि सरकार नई पेंशन नीति को बंद करे और पुरानी पेंशन लागू करे, साथ ही निजीकरण को वापस ले। इस मौके पर शक्ति बाबू, वीरेंद्र यादव, भोला मोती राम, चंद्रिका प्रसाद सिंह, राजेश कुमार आदि कर्मचारी मौजूद रहे। अध्यक्षता रामानंद, संचालन GDS मंत्री उपेंद्र नाथ सिंह ने किया। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी योजना के अंतर्गत विकास खंड भदौरा के ग्राम सभा बभनौलिया सूर्यभानपुर में अचीवर फार्मर गौरीशंकर पांडे के यहां कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में सहायक तकनीकी प्रबंधक वीरेंद्र प्रताप सिंह, प्रबंधक श्याम सुंदर सिंह, खंड तकनीकी प्रबंधक सच्चिदानंद पांडे और सहायक विकास अधिकारी कृषि इंद्रेश कुमार वर्मा की तरफ से किसानों को खेती के साथ ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर ADO AG इंद्रेश कुमार वर्मा, प्रशिक्षार्थी कृषक शिव बहादुर राजभर, बाल किशन, सरोज पांडे, सुरेंद्र, सुखराम कुशवाहा, हृदय नारायण, मोती राम, तुलसी आदि किसान मौजूद रहे। बुधवार को रौजा विद्युत उपकेंद्र में स्थित वर्कशॉप में वाराणसी से 3 सदस्यीय जांच टीम पहुंची। टीम में शामिल मुख्य अभियंता संजय कुमार जैन, अनुराग भंडारी और विकास जैन ने SDO अजीत कुमार और JSK ऊझा से इस बात की जानकारी ली कि वर्तमान में कितने ट्रांसफार्मर जले और कितने दिनों में ठीक हुए। टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट MD को सौंपी जाएगी। हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष अक्षय राय दुर्गेश ने घटिया ट्रांसफार्मर देने और लगाने के तुरंत बाद इसके जल जाने की लिखित शिकायत वाराणसी जाकर MD के बाला से की थी। शिकायत में यह भी कहा गया था कि अधिकारी मनमानी करते हुए अपने चाहते लोगों को ही समय से ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराते हैं। बिजली के निजीकरण के विरोध में 9वें दिन बुधवार को भी जनपद में उपखंड स्तर पर 9 स्थानों पर शाम 4 से 5 बजे तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस मौके पर दिलदार नगर सब डिवीजन पर विरोध प्रदर्शन में निजीकरण के प्रस्ताव पर आक्रोश व्यक्त करते हुए जिला संरक्षक शिव दर्शन ने कहा कि पूर्वांचल के निजीकरण होने से आम जन उपभोक्ताओं को 4 गुना बिल देना पड़ेगा। इस मौके पर इंजीनियर तपस कुमार, कपिल गुप्ता, राजेंद्र यादव, GMT कपिल गुप्ता, मदन यादव, मुकेश कुमार, राम लखन, अनिल यादव, विनय तिवारी, परमेश्वर यादव, सुनील यादव, अनीश मिश्रा, मनोज राजभर, शमीम, अशोक, जितेंद्र, सुखेंद्र आदि उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।